ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व जीएम के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की खबर आ रही है। रविंदर तोंगर जो पूर्व जीएम रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबर है। बताया जा रहा है एक साथ 100 सदस्यों की टीम ने छापेमारी की है। पूर्व जीएम रविंदर तोंगर के 10 ठिकानों पर छापा मारा गया है। जारचा ग्रेटर नोएडा स्थित पैतृक गांव आनंदपुर में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। बसपा शासनकाल में जीएम रहते हुए रविंदर तोंगर पर प्राधिकरण में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लग चुका है। इससे पहले भी आयकर विभाग ने रविंदर तोंगर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों की माने तो फिलहाल बड़ी कंपनियों में निवेश की शिकायत मिलने पर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की कार्यवाही की है। ग्रेनो न्यूज़ रिपोर्ट।